मेरे को पीछे वॉशरूम कर रहा है, खड़ा हो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज हम अपने घर से निकल चुके हैं और आज है दिवाली का दूसरा दिन। आज देखते हैं दिवाली के दूसरे दिन में हम लोग कहाँ जाते हैं। तो पीछे आर्मन आ चुका है क्योंकि आज हम लोग इससे घूमेंगे। ओए, तो अभी गाड़ी मुझसे चलवाएगा ये। तो फाइनली अभी हम लोगों ने डिसाइड किया मिलके कि आज हम जाएंगे पहले मूवी, उससे पहले अभी हमको घर जाना है इसके, जो कि वाईफाई लगवा रहे हो ना। हाँ, वाईफाई वाला आ रहा है उसको पेमेंट। तो वाईफाई वाले आ रहे हैं और वो अभी आके अभी वाईफाई कनेक्शन करेंगे और देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से मूवी देखने। तो आप लोग को दिखाते रहेंगे, पहले चलते इसके घर, जो कि अभी तो हम अपने घर के पास खड़े हुए देख सकते हो आप लोग पीछे। और किसका कॉल आ रहा है? उनका भैया का। तो चलो ठीक है, जल्दी से आते हैं फिर वहाँ पे, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग कर रही करते हैं। कौन से घर पे जाओ, चल अंदर चल। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो अभी हमारा शो है 2:30 बजे का और अभी हमको 1 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हम लोग मॉल में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये फन मॉल और इसी में हम मूवी देखेंगे आज। सो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी अपन लोग आए वॉशरूम के अंदर बन के और ये देखो पीछे वॉशरूम कर रहा है, ये खड़ा हो गए। अबे तो ये सारा नया है, अपना अपना आ रहा है। तो तू मिरर में देख क्यों आ रहा है? तो तू मिरर में क्यों आ रहा है फिर? ये पता है अपनी गलती करते हैं, ऊपर से बहसबाजी करता है ये। मैं सारी गलती मेरी था, वो मेरे तब कर देता है ऐसा। भाई और आ गए, कभी कवर करना पड़ेगा। तो अभी फाइनली हमने फेस वॉश कर चुके हैं यहाँ पे, जो कि बाहर से आए थे तो फेस वॉश करना जरूरी है। और यहाँ पे मिल गया था ये आमिर, आप जानते हो। ये देखो कितना परेशान लग रहा है। तो ये यहीं पे मिल गया, ये भी तो ये पीछे खड़ा होकर देख रहा था, मतलब अचानक से नजर मिले तो ये कौन है। काफ़ी टाइम बाद मिला ना, बाल सही कर रहा, देखो खड़े कर रहा बाल पीछे। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर का और बाहर का भी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग मूवी के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी है। ऑलरेडी सारे टिकट बुक हो चुके हैं और भी हो रहे हैं, देखते हैं हम लोग कौन सा स्लॉट में मिलेगा। तो अभी हमारा टिकट बुक हो चुका है। सो जब तक के जाते हैं कुछ खाते पीते हैं, और भूख बहुत तेज़ से लग रही भाई। तो अभी मैकडी में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग मैकडी में ये खिलाएगा खाना वाना जो भी है, खाना मैकडी में खाना खाओगे। दाल चावल रोटी खाएंगे मैकडी में जाके। नहीं, जाते भी देखते हैं, अभी जा रहे देखते क्या मिलता है, मतलब जो मन होगा खाएंगे। सो दिखाते रहेंगे आपको, भाई मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने खा पी लिया था जो खाना पीना था, और अभी हमें आराम मूवी का भी टाइम हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं चॉकलेट लेने, चॉकलेट लेके जाएंगे ऊपर मूवी देखने। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं थिएटर के बाहर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे करके। अभी देख सकते हो ये यहाँ पर एक स्टैचू रखा गया है, अभी न्यू लोग सेल्फी वगैरह फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और ये रही अपनी लाइन, जो कि कितनी ज़्यादा लंबी है। तो भाई मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुई ना, नहीं कैमरा ऑन कर। सो देख लो आप लोग फन कट थिएटर, जो कि आ चुके हम लोग अंदर। ये बहुत ही मूवी का ट्रेलर चल रहा था नहीं। तो ये एंट्री देख सकते हो आप। मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था, कन्विंस कर रहा था। हमारे पायलट साहब के हाथ पांव फूल रहे थे यहाँ आने के लिए, कहने लगे बामिया बड़ा खतरा। प्रिंटर में थी तो पढ़ने लगे, काव्या से लड़ाई करते। अरे तुम ये कैसे कह सकते हो कि राम सेतु का श्रीराम से कोई लेना देना नहीं है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राम सेतु मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स इट। नहीं, तुम वो कर रहे हो जो अयोध्या में हुआ। राम सेतु का अयोध्या से क्या कनेक्शन है गायत्री? दोनों का कनेक्शन आस्था से है डॉक्टर आर्यन।
जैसे अयोध्या देश को श्रीराम की जन्मभूमि से जोड़ती है, वैसे ही राम सेतु उनकी आस्था का वो सेतु है जो उन्हें श्रीराम के आदर्शों से जोड़ता है। तुम गलत बहस कर रही हो प्रोफेसर, अयोध्या वाज अ मैटर ऑफ लैंड डिस्प्यूट। नो। तो इंटरवल हो चुका है और अभी हम कुछ देखते हैं, कुछ खाने यहाँ पे आए थे तो देखते हैं क्या है। My Lord, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एविडेंस में विश्वास रखता हूँ। एक हफ्ते पहले तक मैं भी नहीं मानता था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है। पहली मूवी खत्म हो चुकी है और सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से अब अपने अपने घर। सो सारे लोग काफी खुश है, काफी टाइम बाद ऐसी भीड़ देखने को यहाँ पे मिली है। तो गाइस फाइनली हम लोग मूवी देख के आ चुके बाहर और मूवी इतनी ज्यादा अच्छी भाई, ये वाली बाइक आउट नहीं होगी पक्का। और जाओ जल्दी से आप लोग भी देखो राम सेतु मूवी। मैं तो बताना नहीं चाहता वरना ट्विस्ट मजा खराब हो जाएगा। बहुत ही यूनिक चीजें बताई है राम लॉर्ड भगवान राम के ऊपर। आप जाना और खुद देखना और आपको इतना मतलब ट्विस्ट दिखेगा कि मजा ही आ जाएगा। मतलब सोचा था कि जाएंगे कहीं और बट नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जहाँ का प्लान था वैसे वहाँ का प्लान कैंसिल हो गया। अभी हम दोनों जा रहे हैं और चाय वाय पीते हैं बाहर और उसके बाद फिर जाएंगे 1090 की साइड, दिखाते रहेंगे आपको। सो भाई हम लोग मूवी देख के जा रहे 1090 की साइड में और ये वाला अपना गोमती नदी का जो पुल है आप लोगों ने देखा ही होगा, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को। इतनी फ्रेशनेस लग रही है, देखो कितना अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर और कुछ खाए वाएंगे, भूख लग रही है यार बहुत तेज से। फिर से भूख लग गई। हाँ फिर से भूख लग गई, अभी खा के गए थे फिर खाएंगे भाई, टाइम भी तो हो गया 4 घंटा। देख सकते हो लखनऊ की ये सड़कें कितनी अच्छी है, मज़ा आ रहा भाई बहुत। तो यही स्प्लेंडर से आज घूम रहे हैं, मजा आ रहा है, एंजॉय करते हैं भाई। खुले में जो मजा है कार वार में नहीं है वो। तो टैक्सी भी जा रहे, टैक्सी में कुछ लोग हैं वो देख रहे, टैक्सी वाले देख रहे हैं लोगों को काट रहा। तो चलो ठीक है अभी हम लोग जाते हैं, कुछ खाते वो भी दिखाते। ओके भाई गाइस हम वापस से आ गए हैं हजरतगंज में और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग शाम को कितना अच्छा होता है कैसा। तो अभी यहाँ भी थोड़ा घूमेंगे हम। तो हे गाइस हम अभी अपने वापस घर आ चुके हैं, जो कि पीछे मेरा घर है देख सकते हो आप लोग। तो मैं ये मूंगफली और ये चादर लेके जा रहा हूँ घर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि जल्दी आएगा 2-4 दिन में, तो आप लोग फटाफट से वो भी देख लेना ठीक है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, लव यू और सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाना। बाय बाय।